प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। मेरा नाम सुभाष चंद्र है, मैं महेंद्रगढ़ का रहने वाला हूँ, अभी गुड़गांव में रहता हूँ। मैं आपका हर शिविर अटेंड करता हूँ और पिछले शिविर में अपने आपकी कृपा से मेरी कुंडलिनी जागरण हुआ था। उसके बाद गुरु जी, सबसे पहले तो मेरी गर्दन पीछे चली जाती थी कुंडली जागरण से पहले। कुंडलिनी जागरण के बाद क्या है कि अब मेरी गर्दन पीछे नहीं जाती है, गर्दन में खिंचाव भी नहीं होता है। दूसरी एक चीज़, एक बात मैं अभी समझ नहीं पाता, क्या कुंडलिनी जागरण के विषय में क्या आपने बोला? जागरण के बाद पहले मेरी गर्दन पीछे की तरफ जाती थी। पहले आपकी गर्दन पीछे की ओर जाती थी, खिंचाव होता था। कुंडलिनी जागरण के बाद वो खिंचाव होना बंद हो गया है, पीछे की तरफ गर्दन सीधी रहती है। पर जैसे मैं ध्यान में बैठता हूँ तो एक बार जैसे झटका सा लगता है, ऐसे हाथ ऐसे उठने की कोशिश से करते हैं, बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता है, ऐसे ऐसे बैठे बैठे एकदम से हाथ ऊपर होते हैं और पीछे की तरफ झटका लगता है गर्दन का। खिंचाव होता था आपको, पहले खिंचाव होता था आपने? पहले खिंचाव होता था गर्दन में, गर्दन पीछे चली जाती थी। अब गर्दन हल्का खिंचाव होता है, गर्दन पीछे नहीं जाती। मैं जितनी देर भी एक घंटे ध्यान करता हूँ लगातार, गर्दन पीछे तो नहीं खींचती, पर अब मेरे को एकदम से झटका सा लगता है ऐसे, और गर्दन के भी झटका लगता है कभी कभी पीछे। प्राणायाम कितनी देर करते हो? गुरु जी, 4 बार प्राणायाम करता हूँ, 2 बार सुबह 2 बार शाम को, 3 स्टेप वाला करता हूँ गुरु जी। तो जब आपको झटका लगता है तो क्या आपका ध्यान खुल जाता है? गुरु जी, मेरा ध्यान गहरा नहीं होता कभी भी। जी मैं समझा नहीं भाई। ध्यान मेरा गहरा नहीं, मतलब मेरे को विचार आते रहते हैं, कभी ऐसा गहरा ध्यान नहीं होता। कभी कभी कुछ क्षण के लिए होता है, जब मेरे को झटका लगता है तब मेरे को पता चलता है। आपका ध्यान गहरा नहीं लगता है? हाँ जी गुरु। आपका कुंभक कितना लगता है, पहला कुंभक जब प्राणायाम करते कितना, उसकी अवधि कितनी है आप बताएंगे? गुरु जी, अभी इस कुंडलिनी जागरण के बाद मैंने 1 महीने के लिए कुछ खाया नहीं था, मतलब मैं लिक्विड पे था, मैंने नमक भी छोड़ दिया था। उसके बाद उस दौरान मेरा कुंभक जो पहली बार लगा था वो कभी कभी 2 मिनट का लगता था, फिर अभी 2 मिनट का। उसके बाद फिर जैसे मैंने 15-20 दिन से अभी थोड़ा सा खाना शुरू कर दिया था, कमजोरी महसूस होने लगी। उसके बाद कभी 1:40 तक जाता है, 1 मिनट 40 सेकेंड तक, कभी 1:45 तक चला जाता है, इतना ही जाता है, कभी 1:30 तक चला जाता है। आपके शरीर, आप कहते हैं कि हम प्राणायाम इतना करते हैं, आप काफ़ी आबादी बता रहे हैं, और आपके अंदर अभी अनुभूति भी नहीं हो रही है, आपको कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी साधना गिर गई हो? गुरु जी, 3 घंटे मैं साधना करता हूँ दिन में, 3 बार, 1-1 घंटे की 3 बार करता हूँ। ऐसा कैसे हो सकता कि आपको अनुभूति नहीं ना दिखाई दे? चलेगा, मतलब वो कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं कि दिखाई दे, लेकिन अनुभूति तो होनी चाहिए कि कोई चीज़ ऊपर की ओर उठ गई। गुरु जी, एक चीज़ होती है ध्यान के दौरान, थोड़ा सा शरीर मेरा गर्म होता है। क्या होता है? गर्म होता है। अच्छा। आसन करते हो? तीव्र भस्त्रिका करता हूँ गुरु जी, उसके अलावा ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता। अच्छा, देखो भस्त्रिका होता है, भस्त्रिका को हम प्राणायाम कहेंगे, भस्त्रिका प्राणायाम, लेकिन आसन भी होता है, जैसे आसन जानते हैं? सर्वांग आसन करता हूँ गुरु जी, बस 5 मिनट के लिए। सर्वांग आसन करते, देखो बांदी कुई में तुम गए थे ना? हाँ गुरु जी। बांदी कुई में वहाँ पर एक साधक, एक साधिका है जो सभी के सामने कर रहे थे, यानी आसन कर रहे थे और श्वास भी ले रहे थे आसन करते हुए, क्या तुम उसी की तरह श्वास लेते हो जैसा कि वीडियो भी में दिखाया गया है, यूट्यूब पर भी अपलोड है, यानी हस्तपादासन हो गया, नाड़ी शुद्धासन हो गया, यानी सिर को नीचे की ओर अगर खड़े होकर के कर रहे हैं तो सिर को नीचे और झुका करके पैर के घुटने की ओर ले जाते हैं, अगर बैठ करते हैं तो पैर चौड़े होकर के,
किया जाता है, सिर को घुटने की ओर ले जाते हैं, क्या ऐसी क्रिया करते हो? गुरुजी आसन का तो टाइम नहीं मिल पाता था क्योंकि ऑफिस भी जाना होता था। कहीं ना कहीं आपको अशुद्धता का असर है, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। आप आसन को करिए, यानी जिस तरह से कहा गया कि आप श्वास लीजिए आसन के समय, हालांकि अन्य मार्गदर्शक ऐसा नहीं करता और शायद मना भी करेगा, लेकिन हम ऐसे ही कराते हैं। इससे क्या है, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी आपकी शीघ्र ही शुद्ध होने का प्रयास करेगी और मूलाधार का क्षेत्र और स्वादिष्ठान का, मूलाधार से लेके नाभि तक, अर्थात मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र और नाभि चक्र आपका अधिक शुद्ध होगा, आपको अनुभूति होने लगेगी। आप ऐसा करिए, कल सुबह से आप 2-3 आसन ज़्यादा देर तक करेंगे और मैं बताऊंगा कि आपको ये आसन करना है। उसमें क्या होगा कि आपकी प्राणवायु मूलाधार चक्र में बिल्कुल अनुभूति होगी और ये प्रयास करते रहना। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर कोई गड़बड़ी तो है ही है कि अनुभूति क्यों नहीं हो रही है तुम्हें? गुरुजी मैंने तो 2 महीने से नमक भी नहीं खाया। जी मैंने नमक भी नहीं खाया 2 महीने से, गलती से किसी चीज़ में आ गया होगा तो पता नहीं। इतनी शुद्धता तुम जो बता रहे हैं हो, तो यानी तुमने बहुत कठोर संयम अपने लिए बता रहे, नमक भी नहीं खाते हो। उबला हुआ खाना खाता हूँ। नहीं नहीं, थोड़ा बहुत चल जाएगा, कोई बात नहीं। नहीं गुरुजी मैंने बिल्कुल भी नहीं खाया, उबला हुआ ही खाता हूँ। उबला हुआ ही खाता हूँ मैं, ज़्यादा से ज़्यादा कभी खिचड़ी या दलिया खा लेता हूँ, इससे ज़्यादा अनुभूति नहीं होती, दिखता भी नहीं। चलो कोई बात नहीं, आपका प्रश्न उधार रहा उत्तर देने के लिए, और कल से मैं तुम्हें कहता हूँ कितनी देर तक करो, और मैं ये भी देखूँगा कुंभक कितनी देर लगाते हो, ठीक है? कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी जरूर है, ऐसा नहीं होता कि जो उबला हुआ खाए और इतने प्राणायाम करे और उसे अनुभूति ना हो। शुद्धता तो इतनी बढ़ जाती है कि यहाँ एक साधक बैठा 2-3 दिन पहले कहता था कि गुरु जी जब मैं आसन करता हूँ तो एकदम से स्पष्ट लगता है कि हमारी श्वास मूलाधार चक्र में टकरा रही है, और वो साधक यहीं पर बैठा हुआ 2-3 दिन पहले उसने बताया था। तो वो तो तुम तो पुराने साधक हो, वो तो अभी तुमसे भी नया साधक है, लेकिन उसे अनुभूति होती है। तो कोई बात नहीं, कल से आप अभ्यास करिए, और अभी 4-5 दिन है यहाँ रहेंगे, तो थोड़ा मैं आपको चेक करूँ। आपके यमुनानगर में भी थोड़ी शिकायत थी, मुझे अनुभव नहीं आते हैं, और पिछले शिविर में यानी यहीं इसी आश्रम में आपको थोड़ा ये था कि मुझे कुंडलनी दिखाई नहीं दी और मेरा मूलाधार से नाभि तक खिंचा हो रहा है, जबकि मैं देख रहा था कि आपको कुंडलनी उर्द हुई है नाभि तक। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने जो बताया बहुत ही कठोर संयम करने वाले साधक की यानी बातें बताई हैं, लेकिन आपको इसके बाद भी अनुभूति नहीं हो रही है, जरूर कहीं कहीं कोई कारण। गुरुजी मैं पता नहीं अभी कोई गलती हो रही होगी, आप मैं यहाँ पे रहूँगा, आप कोई गलती है तो मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूँगा अपनी तरफ से, किसी भी तरह की कोई गलती हो रही हो और जो मेरे को पता ना चल पा रहा हो ऐसा। यहाँ कोई गलती की बात नहीं है, मैं गलती की बात नहीं, कहीं गड़बड़ी हो रही होगी, उतना संयम में कुछ शायद सही ढंग से नहीं हो पा रहा होगा, मैं इस बात कर ये बात कर रहा हूँ। अभी तो गलती का प्रश्न ही नहीं है, जब मैंने गलती आपकी पकड़ी ही नहीं तो कोई बात ही नहीं है, बल्कि आप जो बता रहे हैं तो एक कठोर संयमी जो साधक होता है उसके लक्षण बता रहे हैं, या आप अभ्यास कर रहे हैं कठोरता के साथ, लेकिन मेरा जो सोचना है आपको अनुभूति होनी चाहिए। प्राणों को भी अनुभूति नहीं होती, प्राणों की भी नहीं होती है। प्राण की तो होती है। प्राण की होती है, कहाँ तक जाता है प्राण आपका? प्राण यहाँ तक, ये गर्दन तक थोड़ा सा खिंचाव होता है, पहले बहुत ज्यादा होता था अब कम होता है। पहले ज्यादा होता था? पहले ज्यादा, पहले तो गर्दन बिल्कुल ऐसे खिंच जाती थी। हाँ मुझे याद, बांधी कुई में भी होती थी, मुझे याद आ गया। पहले गर्दन बिल्कुल खिंच जाती थी, सीधी करनी पड़ती थी, अब ऐसा है कि बिल्कुल पीछे नहीं खींचती है, कभी कभार बाई चांस हो गया तो, वरना तो बिल्कुल सीधी रहती है। हाँ एक बात तो ये भी है कि हमने कुछ साधकों को देखा है कि उन्हें दिखाई नहीं देता, अनुभूति भी नहीं होती। ऐसा नहीं कि मैं आपको संतुष्ट कर रहा, संतुष्ट नहीं कर रहा हूँ, मुझे याद आ रहा है 92 यानी 1992 में मैं उस समय अपने गुरु माता के आश्रम में था, वहाँ पर एक साधक आते थे, वो हमसे थोड़े उम्र में बड़े थे, तो उन्होंने हमसे एक प्रश्न किया। वो मिरज शहर में रहते थे और मैं उस समय मिरज शहर से 6-7 किलोमीटर दूर आश्रम में रहता था,
तो उन्होंने आकर के संडे वाले दिन पूछा, माता जी ने कुंडलनी मेरी ऊर्ध कर दी है और उन्होंने बताया हुआ कि मेरी कुंडलनी गले तक जा रही है, लेकिन मुझे तो ना तो अनुभूति होती है ना ही दिखाई देती है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा ठीक है, हमारी उनकी खूब बनती थी, अब भी हैं वो, हाँ ज़्यादा वैसे संपर्क तो नहीं होता है लेकिन फिर भी फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो फिर मैंने देखा कि हाँ उनकी कुंडलनी ऊपर तक जा रही है, गले तक जा रही है, मगर हमने पूछा क्या अनुभूति होती है कि नहीं हुई हमें अनुभूति। तो वो एक ऐसे साधक थे कि उनकी अनुभूति नहीं होती थी, और कोई तो कहीं तुम उन्हीं के जैसे तो नहीं, मतलब कहने की उनकी कुंडलनी गले तक जाती थी और वो कहते थे अनुभूति नहीं हुई है, अनुभूति नहीं होती है और दिखाई भी नहीं देती। लेकिन माता जी ने जो बताया, जब गुरु माता ने बताया तो सही था, लेकिन हमने भी ध्यान में देखा दिव्य दृष्टि से कि उनकी कुंडलनी ऊपर तक जाती है। तो कुछ साधक ऐसे होते हैं, मैं उनके आधार पर कह रहा हूँ कि उनको अनुभूति नहीं होती, हो सकता है ऐसे हो, पिछली बार तुम्हारी कुंडलनी नाभि तक जा रही थी लेकिन तुम्हें अनुभूति नहीं हुई और वो नहीं हुआ। चलो प्राणों की अनुभूति होती है, अभी 4-5 दिन कठोर साधना करो तो शायद कुछ अनुभूति होने लगे। धैर्य के मतलब धैर्य अपना धारण किए रहो, कठोरता के साथ करते रहो, यानी अभ्यास। ये मत सोचो कि आपकी साधना नहीं हो रही है, जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपकी साधना हो रही है, ज़रूरी नहीं कि आपको अनुभव आए और ऐसा हो। अब देखते हैं 4-5 दिन में अगर कुछ आपको अनुभूति आती है या। ठीक है, प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.